तस्वीर में नजर आ रहे ये जनाब हैं बीजेपी के नए नवेले सांसद नरेंद्र कुमार। चुनाव जीते हुए इन्हें जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं और ये ऐसी बयानबाजियां करने लगे हैं जिसे एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गए हैं। सांसद महोदय चुनाव जीते तो झुंझुनू की जनता का अभिनंदन करने के लिए एक जनसभा भी बुलाई, लेकिन जनता का अभिवादन करते करते माननीय जज्बात में इस कदर बह गए कि अपने आप को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही कंपेयर करने लगे। जनता के सामने अपनी ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हुए ये तक कह डाला कि देख लो भैया, एक साइकिल वाला मंत्री बन गया, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और एक शराबी आपका सांसद बन गया। नरेंद्र कुमार के इस बयान पर जनता ने खूब तालियां पीटी, लेकिन नरेंद्र कुमार सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में ये भूल गए कि वो जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं उसी की किरकिरी करने में लगे हुए हैं। आपको पता ही है, ईमानदारी का पता ही है, कभी किसी कोई व्यक्ति ये कहते कि मैंने 1 रुपया खर्च कर दिया है, उसके नाम से चाय पानी पिलाया या नाश्ता किया। अभी भाई सुभाष जी कह रहे हैं, सुभाष जी सर पेड़ी बात कह रहे हैं, शराब पिलाओ और वोट मांगो, उसको मुझे चाय और प्रधानमंत्री बन सके, बड़े बोले बड़े बड़े एक अफकाल साइकिल मंत्री बड़े बोले बड़े कहते साइकिल वाला मंत्री, और आपने भीलवाड़ा से एक स्कूटी रखे सांसद बने को बने है नहीं, शराब पीनी है देखो सांसद बने को क्या शराब पीवे है। नरेंद्र कुमार ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी कुछ इसी तरह का बयान लेकर जनता का मनोरंजन करते नजर आए थे। वोट किसी भी तरह से कोई व्यक्ति बढ़ाता है तो उसकी आत्मा खुश होती है, मुझे ये बता दो, जो वोटों का काम करता है, जो राजनीति करता है, वो उसके पास वोट बढ़ने तो शाम को ज्यादा भूख लागे को लागे और लेनी और एक पैग ज्यादा ले बोले बता दो नहीं आनंद आओगे, आज तो लगे बड़ो मजो आगे आज बढ़े 5 वोट। वोट किसी भी तरह से कोई व्यक्ति बढ़ाता है तो उसकी आत्मा खुश होती है, मुझे ये बता दो, जो वोटों का काम करता है, जो राजनीति करता है, वो उसके पास वोट बढ़ने तो शाम को ज्यादा भूख लागे को लागे और लेनी और एक पैग ज्यादा ले बोले बता दो नहीं आनंद आओगे आज तो लगे बड़ो मजो आगे आज बढ़े 5 वोट। नेता जनता का प्रतिनिधि होता है, उसके बयान को जनता गंभीरता से लेती है। ऐसे में नरेंद्र कुमार जैसे नेताओं के ऐसे बयानों को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। शायद बीजेपी के नए सांसद का बयान अभी तक पार्टी आलाकमान के कान तक नहीं पहुंचा है, नहीं तो अब तक इन पर कोई ना कोई सख्ती जरूर हुई होती। झुंझुनू से राजस्थान तक के लिए नैना शेखावत की रिपोर्ट।